हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अगले दो दिनों के ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर शिमला जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान, व्यवसायिक केंद्र और आंगनबाड़ी दो दिन के लिए बंद रहेंगे। स्थानीय मौसम और संबंधित परिस्थितियों के अनुसार मंडी जैसे अन्य जिलों में भी शैक्षिक और व्यवसायिक केंद्र बंद कर दिए गए हैं। वहीं भारी बारिश के कारण समर हिल में बचाव एवं खोज अभियान में बाधा आई। आईएमडी के मुताबिक शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिल्कुल ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए अलर्ट जारी है और इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बाढ़ आने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन इन जिलों में भूस्खलन और पेड़ों के गिरने की आशंका जाहिर की है। तो एक बार फिर से यहाँ पर भारी बारिश की चपेट में ये जिले आ सकते हैं और हिमाचल पर लगातार हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा जो है कहर बरपा रही है। बारिश के बाद जो बाढ़ की स्थिति है उससे हालात काफी चिंताजनक बन गए हैं क्योंकि भूस्खलन होने से कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो कई घर जो है भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और अभी भी कई लोग जो अपने घरों में हैं वो भी खतरे के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। शासन प्रशासन लोगों की सहायता करने के लिए लगा हुआ है लेकिन अभी भी हालात जो है वो चिंताजनक ही बने हुए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मोहित शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का दौर जारी रहेगा और उसके बाद हालात और ज्यादा चिंताजनक बन सकते हैं। जरा अभी आप बताएं कि कहां कहां पर इस वक्त स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम और अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी हिमाचल प्रदेश की तो जो पहाड़ी इलाके हैं सबसे ज्यादा चिंता जनक स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिसमें राजधानी शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला जो है उस पर कह सकते हैं कि ग्रहण लग चुका है और लगातार कल भी जो बारिश हुई उसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो शिमला को उठाना पड़ा। जगह जगह भूस्खलन हुए हैं, कनेक्टिविटी हर 2 किलोमीटर के बाद प्रभावित हुई है, यानी जो सड़क है वो हर 2 किलोमीटर के बाद लगभग जो है वो बाधित हुई है। पीडब्ल्यूडी ने हालांकि इस बार मशक्कत तो की है लेकिन उस हिसाब से लेबर नहीं है पीडब्ल्यूडी के पास भी, तो मशक्कत सिर्फ पीडब्ल्यूडी को ही नहीं करनी पड़ रही। बिजली के खंभे जो है वो गिर गए कई जगहों पर, लाइट जो है उसकी जो है वो समस्या आ चुकी है और साथ ही जो खतरनाक बन चुके पेड़ हैं वो भी अब कहीं ना कहीं डरा रहे हैं लोगों को। और इसी तरीके की जो जो समस्या देखने को मिल रही है वो कुल्लू, सिरमौर, मंडी और ऐसे जो तमाम मध्यवर्ती जिले हैं या ऊंचाई वाले जिले हैं वहां पर खास तौर पर बारिश ने जो है वो कहर बरपा रखा है। शिमला में आपने देखा लगातार बारिश होने की वजह से मकान जो है वो गिर गए, ढह गए और अभी भी वही स्थिति जो है, कई मकानों को खतरा है। लोगों ने अपने तिरपाल जो होते हैं उसको डालकर टेम्परेरी रूप से जो है फिलहाल बरसात का मौसम निकल जाए उसके बाद रिटेनिंग वॉल का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए आप जिस तरह से बारिश हो रही है वो चिंता का विषय आज भी हिमाचल प्रदेश के करीब 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और ऐसे में ये अलर्ट जब तक रहेगा तब तक लोगों का डर जो है वो भी सामने रहेगा और सामने ही सामने जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी भूस्खलन नहीं देखा अब यहाँ पर शिमला में देखें तो चलते चलते भूस्खलन हो रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, एक अजीबोगरीब स्थिति जो है वो बन चुकी है। सभी जैसे आपने भी कहा कि इससे पहले लोगों ने कभी इस तरह से जो नुकसान है वो नहीं देखा है, भूस्खलन नहीं देखा है, तो जो स्थानीय निवासी है वो इस आपदा के लिए, इस जो सर पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है, किस चीज को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या वो मानते हैं कि ये प्रकृति का चक्र है जो नियमित रूप से जो है इस प्रकार से चलता है या फिर मानव निर्मित वो मानते हैं कि ये आपदा जो है वो रही है? बिल्कुल, देखिए ये इंसान की ही एक गलती कहेंगे इसको, वही चर्चा का विषय आजकल बनी हुई है क्योंकि पहाड़ी राज्य है और अगर शिमला की भी बात कर ले तो हाल ही में जो पिछले सालों में जो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसे साफ कह दिया था कि 2.5 मंजिल से ज्यादा यहाँ पर बनना नहीं चाहिए निर्माण, उसके ऊपर की जो मंजिलें हैं उस पर बैन लगा हुआ है। उसके बाद सरकार ने भी कई मशक्कत की, उसको बढ़ाने की कोशिश की, 3.5 मंजिल करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। अब लोग जिन्होंने खुद जो है ये कह रहे थे कि 2.5 मंजिल से ज्यादा होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मकान का निर्माण होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बेतरतीब मकान का निर्माण जो है अगर होता है तो उससे ये समस्या आएगी ही। शिमला देखिए 25,000
की आबादी के लिए बनाया गया था अंग्रेजों के समय, और ज्यादा से ज्यादा जो कैपेसिटी थी उन्होंने 35,000 लोगों की रखी थी। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें जनसंख्या की, तो उस समय करीब 2 लाख जो है वो जनसंख्या थी। लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा जो है वो कहां पहुंच गया होगा, लगभग 4 लाख या उससे ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच चुका होगा। ऐसे में जनसंख्या बढ़ रही है, मकान जो है वो बढ़ रहे हैं, रोड्स क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी में भी शामिल हुआ शिमला, उसमें भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई, रोड्स की वाइडनिंग जो है वो की गई, कई पहलू जो है इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब कुल मिलाकर के इस वक्त जो स्थिति है वो यही है कि किस तरह से बचाव किया जाए। मोहित, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस वक्त जो है कितना अस्त व्यस्त हो गया है इस प्राकृतिक आपदा के बाद शिमला और खासतौर पे मंडी, और अभी जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ वहां पर राहत का काम किया गया है बाढ़ प्रभावितों के लिए, आपदा प्रभावितों के लिए? देखिए, टेम्परेरी जो शिविर रहते हैं उसमें लोगों को भेजा गया है जिनके मकान जो है वो गिर चुके हैं या जिनके मकानों को खतरा है, कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों के शरण ले ली है। लेकिन इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कहीं पे भी, जो पलायन अगर कहें कि यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग, उस तरह की कोई फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार भी अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है, लोग भी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि छोटा सा शहर है और यहाँ पर दस्तूर रहा है कि जब भी कोई समस्या आती है, चाहे कोरोना की समस्या रही हो, चाहे एक महीना पानी ना आया हो शिमला को, शिमलावासी जो है एकजुट होकर के समस्या से खुद निपटते हैं और सरकार पर भी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। लेकिन जहां पर सरकार आगे आ गई वहां पर शिमलावासी जो है निश्चित रूप से सहयोग करते हैं, और बहुत ही सजग जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, उस हिसाब से जो है काम भी कर रही है। और जो ये दौर है ये प्रार्थना कर रहे हैं अभी तमाम लोग कि ये दौर जल्द से जल्द निकल जाए, और उसके बाद क्या करना है वो जो है अपने अपने भवनों को किस तरह से बचाना है उस पर भी लोग काम करेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो दौर है ये भी जल्द निकल जाए और जिंदगी वापस पटरी पर आ जाए, यही कामना इस वक्त हिमाचल वासी जो है वो कर रहे हैं।